नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मिनट, मैं हूं आपके साथ राजेश मेरी। खास मुलाकात में हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनसे मध्य प्रदेश की कुछ सियासत के बारे में। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, जैसे कि लव जिहाद के कानून को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा को स्थगित कर दिया, उसके बाद कानून भी पारित हो गया, तो सर और उसके बाद फिर नगरीय निकाय चुनाव को भी मतलब थोड़ा बढ़ा दिया गया कि मतलब 2 महीने बाद चुनाव होंगे और किसान आंदोलन भी चल रहे हैं, तो क्या बीजेपी एक तरीके से रणनीतिक स्टंट कर रही है कि जब किसान आंदोलन साथ हो जाएगा उसके बाद हम नगर निगम का चुनाव कराएंगे ताकि फेवर हमारे पक्ष में हो? देखिए, क्या है कि आपने ठीक पूछा, किसान आंदोलन जो है निर्णायक स्तर पर है अभी, और किसानों की ये मांग है कि जो 3 काले कानून पास किए हैं पार्लियामेंट में बगैर किसी चर्चा के, न पार्लियामेंट में चर्चा हुई न किसानों से चर्चा हुई, और उनकी मांग है कि 3 काले कानून वापस लिए जाएं, और कांग्रेस भी उनका समर्थन कर रही है। 40 किसानों की अभी तक वहाँ जान चली है। कल एक और कश्मीरा सिंह किसान थे बुज़ुर्ग, उनने आत्महत्या कर ली कि शायद ये सरकार के कान में जू रहेंगे और ये कोई निर्णय ले। सवाल ये है कि जब किसान नहीं चाहते और लाखों की तादाद में किसान वहाँ बॉर्डर बैठे हैं दिल्ली में, तो एक तरफ उनको कानूनों को रद्द भी नहीं किया जा रहा है, वापस भी नहीं लिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो पास 10 किलोमीटर बैठे हैं किसानों से बात भी नहीं करते, वर्चुअल भाषण दे के बात करते हैं। मध्य प्रदेश का भी 50,000 किसान वहाँ पर है, और इसीलिए कांग्रेस इन सब मामलों को लेकर 20 तारीख को यहाँ कांग्रेस किसान सम्मेलन करेगी, उसमें अपनी बात और अपना स्टैंड रखेगी। और साथ ही जो आपने कहा नगरीय निकाय चुनाव, तो निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव, एक तो किसान आंदोलन, दूसरा महंगाई जिस तरह से बढ़ रही लगातार, आज डीजल पेट्रोल रसोई गैस बिजली के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के बिल की वजह से एक किसान ने अभी आत्महत्या किए छतरपुर में, और कहा है कि मेरे अंग बेच के बिजली का बिल चुका दो। तेंदुखेड़ा में 2 किसानों ने आत्महत्या की। बिजली के बिल इतने आते हैं कि 13,500 आता है जब मंत्री जाता है और अधिकारी को बुलाता है, 214 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब मुद्दे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपये 100 यूनिट आता था बिजली। महंगाई बढ़ी हुई है, लोगों के काम धंधे सब ठप हो गए, नौकरियाँ चली गई हैं, और ये केवल ध्यान बांटने वाली बात करते हैं। जैसे लव जिहाद ले आए, और लव जिहाद के नाम से ये सब कानून 1968 में बन चुका है, बाबा साहब अम्बेडकर के ने जो कानून बनाए उसमें सब चीज़ नीत है, पर इच्छा शक्ति उस पर एक्ट ये लोग नहीं कर पाते, केवल ध्यान भटकाने वाली कुल मिला के बात है। ऐसे ही नाम बदल दो, हबीबगंज का नाम ये रख दो, अस्पताल का नाम ये रख दो, इसके अलावा इनके पास एजेंडा नहीं, क्योंकि ये कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। नगर निगम जैसी जगह में पेमेंट नहीं हो रहा है ठेकेदारों का, और इसलिए काम हो नहीं रहे हैं। ऐसी PWD में हो रहा है, विकास के नाम से पूरी तरह से ठप है, इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल है। चाहे कोरोना का मामला हो जिसमें 3,500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई मध्य प्रदेश में, 1,50,000 से ज़्यादा 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो गए, वैक्सीन आई नहीं है उसकी केवल पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर ध्यान बांटने वाली बात ये कर रही सरकार, इसके बाद कोई कार्य योजना नहीं है। सर, आपसे एक चीज़ और समझ जाएगी कि जैसे कि लव जिहाद के मतलब मुद्दे को लेकर बीजेपी लेकिन लगातार 1 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग लगातार 4-5 बार बैठक भी हुई, लेकिन पार्टी इस चीज़ को टरका रही है कि हम मतलब किसानों की जो मांग है वो नाजायज है, उनको अलगाववादी कहा जा रहा है, मतलब देश विरोधी कहा जा रहा है, तो क्या वास्तव में जो ये मतलब कानून है वो किसानों के हित में है कि या व्यापारी मतलब व्यापारियों का अमली जामा पहनाकर बड़े लोगों को बढ़ावा देने? इसमें 3 बातें निहित हैं जी इन कानून में। एक तो ये MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका प्रावधान नहीं रखा गया है, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो फूड ग्रेन का नेशनलाइजेशन किया था और MSP लेके आए थे कि किसान को इतना पैसा अपनी अनाज का कम से कम रेट मिलना चाहिए, श्रीमती इंदिरा गांधी का फार्मूला था, इसलिए इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं ये। और दूसरा ये है कि मंडी प्राइवेट भी खुलेगी, भाई जब प्राइवेट मंडी खुल जाएगी तो धीरे धीरे जो सरकारी मंडी है बंद हो जाएंगी,
क्योंकि उसको जब वहाँ सामान वहाँ आएगा नहीं, अनाज आएगा नहीं, तो कर्मचारियों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होगा। और जब प्राइवेट आ जाएगी तो मन चाहे रेट पे ही अनाज खरीदेंगे और इस तरह से कॉरपोरेट जगत का इस पर कब्जा हो जाएगा। और तीसरा ये है, कोर्ट में नहीं जा सकते। अब SDM के पास जाइए तो SDM तो वही करेगा जो सरकार कहेगी। तो ये तीन मुद्दे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे बड़ा कोई ले लेगा सरमाएदार, ये अदानी अम्बानी अगर ले लेंगे ज़मीनें, तो ये कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, तो किसान इसमें बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए किसान इसके विरोध में है और इसीलिए कह रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। सर, जैसे कि भंडारण को लेकर सरकार ने पहले ही 1955 में कानून बना दिया था कि अब भंडारण मतलब आवश्यक जो अधिनियम के तहत कि अब मतलब जो एसेंशियल मतलब फूड सर्विसेज हैं वो मतलब पूर्णतः से अगर कोई भंडारण करता है तो गैर कानूनी होगी, लेकिन मतलब 2020 में मतलब कानून बनाकर उसे पूर्णतः से संभालने इस कानून में ये भी किया है जी कि भंडारण की प्राइवेट लोगों को कोई लिमिट नहीं रखी। जब लिमिट नहीं रखेंगे तो ये बड़े बड़े लोग स्टॉक कर लेंगे, सस्ते उसमें लेंगे और महंगे में बेचेंगे, तो आम आदमी परेशान हो जाएगा। और दूसरा, ये MSP पे जो सरकार खरीदती है, इससे जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग, BPL कार्ड वाले, इनको कंट्रोल शॉप से अनाज मिलता है। जब ये प्राइवेट उसमें जाएगा मंडियों में और ये बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोग खरीद लेंगे इसको, तो वो जो कंट्रोल शॉप में है वो बंद हो जाएगा जाना, और स्थिति आएगी कि यहाँ लोग भूखे मरेंगे, लोगों के यहाँ पास अनाज आएगा नहीं, उनमें इतनी ताकत होगी नहीं कि इतना महंगा अनाज या महंगा आटा दाल खरीद सकें। तो कुल मिलाकर ये छोटे लोगों पे भी चोट है, किसान पे भी चोट है, और केवल सरमाएदार और बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत को बढ़ावा देने की बात है इसमें। सर, एक चीज़ और आप सुनना चाहेंगे कि किसान लगातार मतलब एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है, लेकिन BJP ये दावा कर रही है कि अब अच्छे दिन आ चुके हैं, तो इस पर आपकी क्या कहना है? ये पूरे अच्छे दिन आप ले जाओ, लेकिन हमारे तो पुराने दिन लौटा दो, मार्च 2020 के पहले के, क्योंकि कोरोना भी ये सरकार लेके आई है। अगर ये समय पे जाग जाती, जब राहुल गांधी जी ने कहा था जनवरी 2020 में कि कोरोना महामारी है, ये फैल रही है, अगर उस समय स्टेप ले लेते, उस समय बाहर से आने वाले हवाई जहाज़ों को रोक देते और ट्रंप की विजिट नहीं कराते, तो हो सकता है कि ये महामारी इतनी फैलती नहीं, और चीन जैसा कंट्रोल हिंदुस्तान में भी हो जाता। लेकिन इनको जो रिच लोग थे, इनको 100 फ्लाइट से हिंदुस्तान लाना था, मध्य प्रदेश की सरकार बनाना था कमलनाथ जी की, इस सब चीज़ के लिए रुके रहे, और उसकी वजह से ये महामारी फैली। और हमने देखा कि दिल्ली बॉम्बे से लोग पैदल चले और हज़ारों की तादाद में लोग पैदल चल दिए, एक एक दो दो तीन तीन हज़ार किलोमीटर अपना घर अपने गांव पहुंचना चाहते थे। ये सब दुर्दशा मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार की वजह से हुई। सर, जिस तरीके से आम मुद्दों को भूझकर मतलब BJP लगातार लव जिहाद के मामले को काफ़ी तूल पकड़ाने में लगी है, तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये मतलब जनता के हित के मामले हैं कि इसमें केवल राजनीति हो रही है? ये केवल राजनीति ध्यान भटकाने वाली बात है। मैंने कहा ना 1968 में कानून बने हुए हैं, अब आपने एक महीने के बजाय 2 महीने का टाइम दे दिया कि 2 महीने के नोटिस, मतलब आप आदमी धर्म परिवर्तन करके शादी अभी भी कर सकता है, 2 महीने के पहले उसको नोटिस देना है कलेक्टर को कि हम ये धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहते, तो इसमें बदलाव क्या किया आपने? और जहाँ लव होगा वहाँ जिहाद कैसे होगा, और जिहाद जहाँ है वहाँ लव होगा कैसे? तो लव जिहाद ना की कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने धर्म स्वतंत्र इस विधेयक का नाम दिया। ये केवल भटकाने वाली बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जिसको अलग अलग धर्म के लोगों को अगर साथ रहना है तो लिव इन रिलेशनशिप रह लेंगे, कहाँ से पता लगा पाएंगे उसको? सर, अब मध्य प्रदेश की सियासत पर लौट के आते हैं कि मतलब मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो गया, उसके बाद बिहार में भी चुनाव हो गया, तब मतलब कोरोना काफ़ी पीक सीजन में था, अब उसके बाद नगर निगम के चुनाव को, नगरीय चुनाव को लगातार एक साल से मतलब हटाया, फिर लगातार कोरोना का दौर दिया गया कि इस समय कोरोना काफ़ी तेज है, और फिर अब 2 महीने के लिए हटा दिया गया, तो क्या मतलब आपको लगता है कि एक तरीके से एजेंडा सेट किया जा रहा है कि मतलब वास्तव में कोरोना के कारण हटाया गया है? कोरोना के कारण अगर विधानसभा नहीं चल रही है तो 28 विधायकों को एक ही कमरे में शपथ कैसे दिला दी? तो ये
कोरोना तो एक बहाना है, इनको केवल प्रजातंत्र का गला घोटना है और नगरीय निकाय चुनाव इसलिए डिले कर दिए कि ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से हर फ्रंट पे फेल हो रहे हैं, इसलिए ये। और जो 16 नगर निगम थी इसमें सभी जगह महापौर और परिषद बीजेपी की थी और काम कोई किए नहीं विकास के। तो ये कुल मिला के जितने ही मुद्दे इनके खिलाफ हैं, इसलिए किस तरह ये देखना चाहते हैं ये कि क्या किया जाए, जो करने वाले हैं कि राम मंदिर के नाम से चंदा वसूलेंगे और उसकी पब्लिसिटी करेंगे और फिर लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटेंगे और उससे चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि इन चुनावों में कांग्रेस सब जगह जीतेगी, कांग्रेस की पूरी तैयारी है और स्टेट गवर्नमेंट इनकी हो सकती है लेकिन सिटी गवर्नमेंट कांग्रेस की होगी। सब जगह महापौर हमारे होंगे, पार्षद और परिषद हमारी बनेगी। सर आगे मतलब चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही, प्रभारी जगह जगह बन गए। मैं सागर का प्रभारी हूँ और वहाँ हमने मीटिंग ले ली है, फिर मैं जाऊँगा। बीजेपी बूथ अध्यक्ष पर भी मतलब अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही। जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को पूरे निर्देश कमलनाथ जी ने दे दिए हैं, बूथ स्तर पर सब तैयारी हो रही है। अच्छा, आप मतलब पिछले 15 महीने मंत्री रहे जनसंपर्क विभाग के, तो आपने सूचना को बढ़ावा देने के लिए मतलब उस दौरान आपने क्या किया? नहीं, जनसंपर्क विभाग का जो हमारा काम था उसमें जो सरकार जो भी काम करती थी उनको जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा काम होता था। और अगर आप देखें जो वार्षिक कैलेंडर, तो उसमें आपको अलग अलग गतिविधियां दिखेंगी। जैसे मैं धर्मस्थ मंत्री था तो हमने अलग अलग धर्म स्थानों पर ट्रेन भेजी, अलग अलग मंदिरों के जो पुजारी हैं उनका मानदेय 3 गुना बढ़ाया। वकील था तो नोटरी और वकील बनाए। तो ये सिस्टम सब किए और इनकी पब्लिसिटी करना, और दूसरा पत्रकारों का ध्यान रखना। जैसे पत्रकारों के मामले में एक इशू आया था कि जो बीमा उनको कराना था उसमें पैसे ज़्यादा लग रहे थे, तो मुख्यमंत्री से बात करके 1 करोड़ रुपये सरकार ने पेमेंट किया उनका। किसी पत्रकार की अगर डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सरकार करेगी। इस तरह के बहुत से मामले थे जो हमने किए। सर अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं, मतलब कांग्रेस अपने अंदरूनी मामलों से नहीं उलझ पा रही, मतलब सुलझ पा रही। उसके बाद मतलब लोग कह रहे हैं कि जो मतलब इस समय सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे यूपी में हुआ कि मतलब कृषि कानून के विरोध में सभी जो मतलब पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उनको नज़रबंद कर दिया गया, और उसके बाद राहुल जी भी मतलब राष्ट्रपति से मिलने गए थे, वहाँ पर धारा 244 लगा दी गई। तो आपको मतलब लगता है कि क्या मतलब वास्तव में जो सत्ता पक्ष है पूर्णतः से विपक्ष को, सत्ता पक्ष दमन की कार्रवाई कर रहा है? लेकिन दुनिया में दमन अंग्रेजों ने भी किया था, लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया। उसी तरह से दमनकारी नीतियों का मुकाबला करके कांग्रेस जन भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही को ख़त्म कर देंगे और एक लोकतंत्र स्थापित होगा प्रदेश में और देश में। नववर्ष 2021 के लिए मैं भोपालवासी मध्य प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। 2020 बहुत ख़राब गया सभी के लिए, काम धंधे बंद हो गए, कोरोना आया, लोगों की जान गई, लोगों की जेब खाली हो गई, महंगाई बढ़ गई। लेकिन 21 ऐसा हो, ईश्वर से प्रार्थना है कि सब का जो पहले जैसे दिन, पहले जैसा रोज़गार, पहले जैसे काम उनके शुरू हों, उनकी जेब में पैसा आए, बच्चों स्कूल जा सकें, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, और गतिविधि नॉर्मल हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और वैक्सीन जिसकी बार बार पब्लिसिटी होती है वो सही माने में आए, लोगों को वैक्सीन लगे और लोग घर से बाहर निकल सकें। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी मौजूद थे। इसी तरीके से हम आपको और अनेक शख्सियत से मिलाते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।